हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहुल जैन। आज मैं दिवाली से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, उनके जवाब भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिवाली के त्योहार को मनाने की मुख्य वजह क्या है? ये राम जन्म, बी राम का वापस अयोध्या लौटना, सी कृष्ण जन्म, डी रावण का मारा जाना। से जावे भी राम का वापस अयोध्या लौटना। दूसरा सवाल है, दिवाली कौन से महीने में आती है? ए चैत्र, बी श्रावण, सी फाल्गुन, डी आश्विन। से जावे डी आश्विन। तीसरा सवाल है, दिवाली को इस रूप में भी जाना जाता है? ए रोशनी का उत्सव, बी विंटर का उत्सव, सी मिठाई का त्यौहार, डी रंगों का त्यौहार। से जाबे रोशनी का उत्सव। चौथा सवाल है, दिवाली के दिन किस भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था? ए वाल्मीकि, बी कृष्ण, सी बुद्ध, डी महावीर। से जाबे डी महावीर। पांचवा सवाल है, थलाई दीपावली किस राज्य में मनाई जाती है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। से जाबे तमिलनाडु। छठा सवाल है, दिवाली के दिन मुख्यतः किसकी पूजा होती है? ए राम पूजा, बी लक्ष्मण पूजा, सी लक्ष्मी पूजा, डी हनुमान पूजा। से जाबे सी लक्ष्मी पूजा। सातवां सवाल है, चंद्र हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली कितने दिनों के लिए मनाई जाती है? ए 6, बी 5, सी 2, डी 4। से जावे भी 5। आठवां सवाल है, भगवान राम को कितने सालों का वनवास हुआ था? ए 12 सालों का, बी 10 सालों का, सी 11 सालों का, डी 14 सालों का। से जावे डी 14 सालों का। नाइन सवाल है, दिवाली के दिन कृष्ण ने किस राक्षस को मारा था? ए रावण, बी हिरण्यकश्यप, सी कंस, डी नरकासुर। से जावे डी नरकासुर। दसवां और आखिरी सवाल है, किस देश में दिवाली को तिहाड़ या स्वंती कहा जाता है? ए नेपाल, बी चीन, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। से जावे नेपाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।